जनता के विरोध के बीच देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे के इस्तीफे के बाद खाली पड़े राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक पदाधिकारी ने चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है। श्रीलंकाई संसद स्पीकर महिंदा याप्पा अभयवर्धने ने संसद के राष्ट्रपति संसद में राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे के इस्तीफे का पत्र पेश किया। पार्टी नेताओं ने बैठक के दौरान 19 जुलाई को नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए नामांकन स्वीकार करने का भी फैसला लिया है। श्रीलंका विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बुधवार 20 जुलाई को मतदान किया जाएगा। श्रीलंका में प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे ने गोटाबाय राजपक्षे के उत्तराधिकारी चुने जाने तक अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर बीते शुक्रवार को शपथ ली। श्रीलंका के पीएमओ ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश जयंत जयसूर्या ने विक्रमासिंघे को श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई है और पीएमओ ने यह भी कहा है कि जनता के विरोध के चलते देश छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे ने आधिकारिक तौर पर देश के अध्यक्ष महिंदा याप्पा अभयवर्धने को अपना त्यागपत्र सौंपा और उसके बाद ही श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश की मौजूदगी में कार्यवाहक राष्ट्रपति की जिम्मेदारी संभालने की शपथ ली है। गोटाबाय के इस्तीफे के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी के लिए तीन बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले रनिल विक्रमासिंघे, दूसरे साजिथ प्रेमदासा और तीसरे नंबर पर अलहप्पारुमा का नाम शामिल है। श्रीलंकाई संसद में 225 सदस्य इन तीनों के भाग्य का फैसला 20 जुलाई को करेंगे। खबर है कि 20 जुलाई के पहले श्रीलंकाई संसद के अध्यक्ष महिंदा याप्पा अभयवर्धने सभी 225 संसद के सदस्यों के साथ बैठक कर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करेंगे। रनिल विक्रमासिंघे ने बीते 6 मई में छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। फिलहाल उन्हें कार्यवाहक का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हालांकि विक्रमासिंघे की पार्टी के पास संसद में केवल एक सीट है, लेकिन श्रीलंका की सत्तारूढ़ श्रीलंका पोदुजाना पेरामुना एसएलपीपी के बासिल राजपक्षे उनका समर्थन कर रहे हैं। बासिल राजपक्षे श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाय राजपक्षे के भाई हैं। मुख्य विपक्षी दल समागी जन बालवैज्ञ एसजेबी पार्टी के नेता के रूप में साजिथ प्रेमदासा मैदान में एक और दावेदार हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में एसजेबी संसदीय समिति ने साजिथ प्रेमदासा को राष्ट्रपति पद के लिए नामित करने के लिए मतदान किया था। उनका कहना था कि प्रेमदासा लोगों की पीड़ा की गहराई से समझते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आर्थिक संकट से गुजरते श्रीलंका की मदद को लेकर प्रेमदासा ने भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समेत भारत की जनता के प्रति आभार जताकर पड़ोसी मुल्क संबंधों को मजबूत करने की शुरुआत पहले से ही कर दी है। तीसरे सबसे आगे चलने वाला और संभावित नाम दुलास अलहप्पारुमा का है। दुलास श्रीलंका पोदुजाना पेरुमाना एसएलपीपी के सीनियर नेता हैं। एसएलपीपी की सांसद चरिता हिरास ने मीडिया को जारी एक बयान में कहा है कि सत्तारूढ़ दल के पास करीब 117 वोट हैं, जिनका इस्तेमाल वो दुलास के पक्ष में कर सकते हैं। बीते शुक्रवार को ट्विटर हैंडल से दुलास ने श्रीलंका के राष्ट्रपति पद की दावेदारी के लिए खुद ही अपने नाम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संसद सदस्यों को मुझ पर भरोसा है कि वो श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक संकट को दूर करने में अहम कड़ी निभाएंगे। श्रीलंका में राजनीतिक आर्थिक संकट से मचे बवाल का असर यहां के शैक्षणिक संस्थानों पर भी देखने को मिल रहा है। श्रीलंका के शिक्षा मंत्रालय ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर यहां के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की छुट्टी को 20 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। शिक्षा मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि 20 जुलाई को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के चुनाव के बाद देश के हालात स्थिर होने की पूरी संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव सम्पन्न होने के ठीक अगले ही दिन 21 जुलाई को स्कूलों को खोल दिया जाएगा। बीते शुक्रवार को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यभार संभालते ही रनिल विक्रमासिंघे ने सबसे पहले कोलंबो के आर्मी अस्पताल का दौरा किया। रनिल ने यहां आकर प्रदर्शन के दौरान जख्मी हुए सिपाहियों का हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत के दौरान रनिल ने बताया कि श्रीलंका के बिगड़ते हालात पर जल्द ही काबू पा जा सकेगा। इस दौरान कार्यकारी राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघे ने प्रदर्शनकारियों पर लगाम लगाने के उपायों को लेकर तीनों सेना के कमांडरों के साथ बैठक भी की। बीते 13 जुलाई को प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे के कार्यालय पर धावा बोलने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में आर्मी के जवानों समेत कुल 45 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज कोलंबो के आर्मी अस्पताल में किया जा रहा है। बीते शुक्रवार को श्रीलंका डिफेंस स्टाफ के चीफ शिवेंद्र सिल्वा ने जख्मी लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। डिफेंस स्टाफ के चीफ सिल्वा ने बताया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य टुकड़ियों की तैनाती की गई है, ताकि प्रदर्शनकारी सरकारी या फिर प्राइवेट संपत्ति को नुकसान न पहुंचा सके।
श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया भले ही श्रीलंका छोड़कर भागने में कामयाब हो गए हों, लेकिन परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। गोटाबाया के सिंगापुर पहुंचते ही यहां रह रहे श्रीलंकाई मूल के करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग एयरपोर्ट पर गोटाबाया को घेरते हुए नजर आए। सिंगापुर के प्रवासी श्रीलंकाई ने कहा है कि वो चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपने राष्ट्रपति का स्वागत नहीं करने आए, बल्कि वो उस अपराधी और भगौड़े को देखने आए हैं जिसने उनकी मातृभूमि की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, जिसकी वजह से श्रीलंका के लोग भूखे मरने की नौबत तक पहुंच गए हैं। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका अपनी आजादी के बाद से सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। जानकारों का कहना है कि श्रीलंका के राजनीतिक संकट की सबसे बड़ी वजह वहां की सरकार की आर्थिक नीतियां रही हैं। सरकार के गलत फैसलों की वजह से देश में खाने पीने और राशन की सामान्य चीजों को महंगाई ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के लिए खाने पीना भी मुश्किल हो गया है। खाने पीने की जरूरी चीजों के दाम आसमान पहुंच गए हैं। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की मार्केट के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अनाज की कीमतों में आग लगी हुई है। देश में अभी टमाटर के भाव 150 रुपए किलो श्रीलंकाई रुपए पर पहुंच गए हैं, तो वहीं मूली का भाव लगभग 500 रुपए प्रति किलो पर पहुंचा हुआ है। चावल का एक्सपोर्ट करने वाला श्रीलंका अभी इसे आयात कर रहा है, जिसकी कीमत 450 रुपए से लेकर 700 रुपए के बीच है। आलू प्याज जैसी सामान्य इस्तेमाल की सब्जी की कीमत 220 रुपए किलो हो चुकी है, तो लहसुन 170 रुपए में सिर्फ 250 ग्राम मिल रहा है। नारियल और नारियल के तेल के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक श्रीलंका में इन दिनों नारियल की कीमत 85 रुपए से 100 रुपए के प्रति नग पर पहुंच गई है, जबकि नारियल तेल 600 रुपए से 1000 रुपए प्रति लीटर के बीच मिल रहा है। यहां पर राजमा 925 रुपए प्रति किलो और मसूर की दाल 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। काबुली चना महंगा हो गया है, इसका भाव 800 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। संकट की स्थिति में यहां पर मटर और चने जैसी दालों के भाव भी बढ़े हुए हैं। मटर की दाल 500 रुपए प्रति किलो मिल रही है, तो चना भी 500 रुपए प्रति किलो से ज्यादा मिल रहा है। मूंग दाल अब श्रीलंका में आम आदमी की रसोई से बाहर जा चुकी है। यहां 1240 रुपए प्रति किलो की दर से मूंग दाल बिक रही है। आलू प्याज और टमाटर जैसी आम इस्तेमाल की सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिससे श्रीलंका के लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक श्रीलंका में लाखों परिवार भोजन की कमी को देखते हुए बस अब एक वक्त का ही खाना खा रहे हैं। सब्जियों के दाम में आग लगी है। पहले से ही श्रीलंका में डीजल पेट्रोल की कमी हो चुकी है। लोगों को बेतहाशा पावर कट का सामना भी करना पड़ रहा है। राजनीतिक उलटफेर के बाद श्रीलंका के हालात पटरी पर आते नहीं दिख रहे हैं। आम जनता बेहाल है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन से आजादी मिलने के बाद श्रीलंका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि श्रीलंका आर्थिक रूप से पूरी तरह तबाह हो गया है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच महंगाई भी अपनी चरम पर है। हालांकि कुछ सब्जियों की कीमतें पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी कम हैं, जिसकी वजह है भारत का सहयोग। भारत की तरफ से श्रीलंका को यूरिया और कीटनाशक भेजा गया, जिसकी वजह से जो सब्जियां खराब होने लगी थी उनको बचाया जा सका और उत्पादन बेहतर हो गया। साथ ही भारत से पेट्रोल और डीजल भी श्रीलंका भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से सब्जियों की आवाजाही भी पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। आलू और प्याज ऐसी सब्जियां हैं जिनकी कीमत पहले से काफी बढ़ी हुई थी, लेकिन भारत से तेल आने की वजह से कम जो कीमत है वो काफी कम हो गई है। और कह सकते हैं कि श्रीलंका में जो सब्जियां मिल रही हैं उन सब्जियों की तुलना में भारत से आने वाली सब्जियों की कीमत कम है। चीन ने श्रीलंका की कोई आर्थिक मदद नहीं की, जबकि भारत ने हर संभव मदद की है। विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि हम भारत के बहुत आभारी हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी, वित्त मंत्री और भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो लोग हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। साजिद ने यह भी कहा कि राजपक्षे प्रशासन का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए मजबूत संस्थान हो, हमारे पास राजनीतिक हस्तक्षेप से रहित मजबूत तंत्र होगा, ताकि वो अपने कार्य को अधिक स्वायत्तता के साथ कर सके। देश के हालात नहीं सुधरने को लेकर प्रेमदासा ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के तुरंत बाद गोटाबाया राजपक्षे ने सुपर अमीरों को 600 अरब रुपए की छूट दी, जिसकी वजह से जीडीपी 12 से घटकर 4% पर आ गई। राजपक्षे सरकार के आर्थिक फैसलों ने श्रीलंका को आर्थिक गिरावट की इस स्थिति में पहुंचा दिया है। श्रीलंका की स्थिति को लेकर श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सन जयसूर्या ने गुस्सा जाहिर किया है और कहा है कि मेरा मुल्क इस वक्त बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। देश के लोगों को एक एक चीज के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। ना बिजली है, ना तेल है, ना दवा है।
सब कुछ बुरा हो रहा है। श्रीलंका के महान खिलाड़ियों में से एक और टीम के कप्तान रहे सनत जयसूर्या ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में कोई अभद्रता नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि श्रीलंका में जल्द ही लोकतंत्र लौटेगा। श्रीलंका में गंभीर आर्थिक संकट के बीच राजनीतिक संकट भी गहराया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग ने कहा है कि एक मित्र, पड़ोसी और सहयोगी होने के नाते चीन को पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका मुश्किल से उबर पाएगा। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, ये पूछे जाने पर कि क्या चीन की कोई योजना श्रीलंका को नई वित्तीय सहायता देने की है, सवाल पर वांग ने चीन की ओर से बार बार अपनाए गए रुख को दोहराते हुए कहा है कि श्रीलंका को मौजूदा मुश्किलों से उबारने के में चीन अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के साथ काम करने को तैयार है। दुनिया भर में माना यही जा रहा है कि श्रीलंका की बर्बादी में सबसे बड़ा कारण चीन साबित हुआ है। राजपक्षे परिवार ने चीन से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया और बेफिजूल प्रोजेक्ट बनवाए, तो वहीं चीन राजपक्षे परिवार को यूएन में युद्ध अपराध के मुकदमे से बचाता रहा है।